हमारे चैनल आर न्यूज टुडे में स्वागत है आपका। कैसे हैं? जी सर, स्वागत है सर जी। बोलिए सर। सर ठीक है। कैसे? आज मुद्दा है बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड को लेकर, जिसका अध्यक्ष है आनंद किशोर जी, जो कि जिस मुद्दा पर बात करने वाला है, एग्जाम को लेकर बात करने वाला है। जून 2023 को एग्जाम को लेकर बात करना है, और जून 2022 के दिसंबर का जो एग्जाम लोग का जो रिजल्ट नहीं दिया गया है, उसको लेकर भी आज बात करेंगे। तो आप किस समय एग्जाम देने वाले हैं? सर हम जून 23 का स्टूडेंट है सर। कब, मानी किस समय एडमिशन करवाए थे आप? सर हम लोग का एडमिशन भी लेट चला, अगस्त में हुआ। 16 अगस्त को हम लोग का एग्जाम फॉर्म भराया था, और एक नोटिस दिया गया था कि 30 अक्टूबर तक आश्वासन दिया जाएगा एग्जाम के लिए। मतलब नोटिस दिया गया था आप लोगों को? तो यस सर, आश्वासन के लिए 30 अक्टूबर तक आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। नोटिस हमको अप्रूव के तौर पे दिखा सकते हैं क्या? जी सर दिखा सकते हैं, मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा। और मैंने अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया, यही ना? यस सर, अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया, ना रिजल्ट दिया गया सर। बहुत सेशन लेट चल रहा है हम लोग का। कि ऐसा क्यों, पर क्या प्रॉब्लम बिहार बोर्ड के ओपन बोर्ड में आया कि ऐसा लेट चला है? आपको कुछ कुछ पता चला है? अच्छा, सर पता चलता कि पुराने कैंडिडेट को सबको निकाल दिया गया है और नए कैंडिडेट को लाया गया। जो नए कैंडिडेट थे जो एग्जाम अच्छे से नहीं कर पा रहे, नए कुछ काम बढ़िया से, हमने पुराने कैंडिडेट से बात भी किया तो उन्होंने बताया कि नए नए लोग जो बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे, बैठे बैठे हैं लोग। बिहार बोर्ड सरकारी एक संस्था है, और बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड क्या प्राइवेट संस्था है क्या? किस पर लेट हो जा रहा है, या बता सके इसके बारे में कुछ? सर ये भी एक सरकारी संस्था है, जो हर स्टेट में एक ओपन बोर्ड होता है। जो बिहार का ओपन बोर्ड है, जो बीएफबी बोर्ड है, उसको में एक छापा पड़ा था 2022 में, जो इसमें गलत फर्जी तरीके से चल रहा ओके था। ओके तो ओके हम लोग में एडमिशन लिया गया। हम लोग को जब एडमिशन कराया गया तो बोला एग्जाम को ले लिया जाएगा, तुरंत ले लिया जाएगा। जून से जो 23 जून से लेकर अभी तक चल रहा है, 24 मार्च आ गया है, जो हम लोग को अभी तक नहीं लिया गया। बहुत बच्चे इसमें फंसे हुए। आप किस क्लास में एडमिशन लिए थे? ट्वेल्थ सर हम 12th के स्टूडेंट हैं। कोएफिशिएंट आपका, मान लीजिए 1 साल बर्बाद हो गया था। 1 साल के जी बर्बाद होने का मतलब, मान लीजिए आप छात्र हैं, आपके घर से भी डांट पड़ रहा होगा कि आपका कब एग्जाम होगा, आपका कब परीक्षा होगा, कब का रिजल्ट आएगा, क्या क्योंकि आप पैसा खाए गए, या इस पर कुछ सवाल तो पूछा जाएगा आपके घर यस सर। से। इसके बारे में हम कुछ कहना चाहें? सर हम लोग ना कहीं सरकारी फॉर्म भर पा रहे, ना कहीं जॉब लेने के लिए अप्लाई कर पा रहे, नहीं जिन बिना मटूवल का हम लोग का अप्लाई नहीं हो रहा। हम लोग ने अप्लाई भी किया तब, और लोग बिना 12th सर्टिफिकेट से नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार IIT JEE का एग्जाम भी फॉर्म भरा था, लेकिन 12th के कारण हमें कर भी नहीं पाया कुछ। तो ऐसे से बहुत सारे स्टूडेंट है जो जो DELED का भरना चाहते हैं, लेकिन 12th के कारण भर नहीं पा रहे। 24 का वैकेंसी भी निकला, उसमें कारण नहीं भर पा रहे सर। बच्चे की हालत खराब हो चुकी है, स्टूडेंट खराब है, घर वाले परेशान कर चुके हैं, समाज से बेदखल हो रही है सब स्टूडेंट। आखिर बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? कितने सारे स्टूडेंट का करियर बर्बाद हो रहा है। इस पर हम आनंद किशोर सर से एक बात कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द परीक्षा लीजिए, कि ताकि स्टूडेंट लोग आगे आगे बढ़े और अपना अपना नौकर नौकरी कर कर अपना अपना जीवन संभाले। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कब सर अनंत अनंत आनंद किशोर जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि क्यों लेट किए ऐसे सब? आनंद किशोर के लिए मैं मानता हूँ कि बिहार बोर्ड में वो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बी बॉस का भी देखना चाहिए। अगर उससे काम नहीं चला तो वो उस पद संभालते क्यों? इसमें क्या है, इसमें सोना का स्टूडेंट है बिहार बॉस में, आप बी बॉस में क्या चांदी का स्टूडेंट है? ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को। जब देख रहे बच्चे को बराबर का हक मिलना चाहिए, और हम लोग इसी के लिए 16 तारीख को प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, तो हम लोग आनंद किशोर तक में ये बात पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस काम को। हेलो 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 हेलो, यस सर मान लीजिए बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड भी एक संस्था है, उसमें लड़के जाते हैं कि हम हमारा 2 साल या 1 साल बच जाए मेरा, और 1 साल जब बच जाएगा तो हमारे किसी किसी वर्क में काम लगा देंगे, अपना सर्टिफिकेट में किसी फर्म में लगा देंगे। लेकिन बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड ऐसा काम नहीं कर रही है, लड़के को पीछे धकेलने में काम कर रही है। अनंत किशोर जी से हम एक बात कह देना चाहता हूँ कि अनंत किशोर जी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो लड़के 16 तारीख को पोस्टेट करना चाह रहे हैं। उससे पहले आप कुछ ना कुछ अपना प्रूफ के तौर पर दिखाइए कि कब रिजल्ट आएगा। आपके इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ सिर्फ हम सोच आनंद किशोर जी को कहना चाहते हैं कि सर हम लोग का एग्जाम ले लीजिए। हम लोग को पहले का स्थिति में बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं आजकल। बच्चे का अगर कुछ भी हो तो जिम्मेदारी इसका और कोई नहीं होगा, सिर्फ इसका आनंद किशोर ही जिम्मेदारी होगा, बीबोस का संस्था ही जारी होगा। तो हम आपसे सहायता मांगते कि हम लोग का एग्जाम जल्दी ले लीजिए। हम लोग का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए, बहुत लोग का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हो रहा, और हम लोग को कॉलेज में भी ज्वाइन करना, ग्रेजुएशन भी करना, इसके कारण हम लोग पीछे रह रहे हैं।
बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड का एक संस्था 2 साल पहले हम सुने थे कि बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए लड़के इसमें जाते थे, लेकिन 2 साल के बाद इसमें क्या हो गया कि ये संस्था पीछे चल रही है, आखिर कारण क्या हो गया, कुछ बता सकते हैं? सर, इसका कारण है कि 2022 के फर्जी तरीके से चल रहा था। जून सेशन में बहुत लोग जो बीवोस में काम करते थे उसमें बहुत सारे टीचर धांधली करने लग गए थे, तो इसी कारण ईओयू का छापा माराया था। इसी कारण तो इसके चक्कर में हम लोग का जो स्टूडेंट जो नहीं करते, जो गलत नहीं है, तो उसको उसको क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। यही तो, एक लड़का एक फर्जी डॉक्यूमेंट, एक फर्जी सर्टिफिकेट के चलते, एक फर्जी मन धांधा के चलते सब लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है। इस पर आनंद किशोर जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए जी आनंद किशोर जी को ध्यान देने की जरूरत है और लड़कों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लड़के लड़के देश का भविष्य होते हैं, यही जाकर कुछ आगे काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बिहार बोर्ड ओपन बुक जो अध्यक्ष है आनंद किशोर जी, मैं एक बात हमको कहना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड एक ही संस्था है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बिहार बोर्ड सरकारी है और बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड प्राइवेट हो रही है इस समय, आखिर क्या इस पर कुछ कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, ओपन बोर्ड का मतलब होता है क्या कि सर जो 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 अपने स्कूल में नहीं जा सकते वो ओपन बोर्ड से पढ़ सके, एग्जाम दे सकते हैं। तो सर हर एक स्टेट में ओपन बोर्ड होता है, तो ये सरकारी संस्था ही है। अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो इसको सब प्राइवेट ही मान लेंगे कि ये कुछ नहीं करेगा। इसमें सरकार को देखना चाहिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, कि बच्चे को अगर इसमें खराब होते तो इसके जिम्मेदार बीबो सर, बीबो से सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके चीफ होंगे आनंद किशोर सर से, कि कल कोई हम भी बन सकते हैं। आनंद किशोर ये भी देखना चाहिए कि कल हम भी बन सकते हैं, कल कोई और भी बन सकता है, कल और भी बन सकते हैं। तो इसका बिहेवियर में आपको देखना चाहिए कि क्या करना क्या नहीं करना है। एक बिहार बोर्ड के हम लोग देखना चाहिए ना सबको सर। बिहार बोर्ड का जो काम है, हर काम तो समय समय से हो रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड का काम समय समय से नहीं हो रहा है। इस पर आनंद किशोर जी ध्यान दे और इस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के पीछे हो गए हैं। मान लीजिए 2023 का एग्जाम भरे हैं जून का सेशन के लड़के क्लास 12 का, और 2024 चलने लगा, यानी 1 साल अभी तक आपका एग्जाम जो डेट है पेंडिंग में है, और लड़के रो रहे हैं कि कब एग्जाम आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब हम आगे बढ़ेंगे, और लड़के के जो माँ बाप वो भी बोल रहे हैं कि क्या कर पैसा खा गए कि क्या एडमिशन नहीं कराते। इस पर आनंद किशोर जी से हमको देना चाहता हूँ कि आनंद किशोर जी बहुत तुम जल्द से जल्द इस पर ध्यान दे और लड़कों का परीक्षा कराए, और जो 2022 का जो जो दिसंबर का एग्जाम हुआ है उसका भी रिजल्ट आउट करे, कि आगे जाकर लड़के कुछ करे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी सर, मैं आपसे बहुत शुक्रिया करता हूँ जो सर आपने हमसे सवाल पूछा, और आप इस बात को आगे जरूर पहुँचाइए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और बात है सर कि के पाठक भी इसमें कुछ हकदार है क्या? सर के पाठक से सर शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चे का विभाग क्या है। बच्चे का भी तो कुछ विभाग होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्कूल पे जाकर निरीक्षण करने से अच्छा कि बच्चे को भी देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, बोर्ड को भी देख लेना चाहिए कि हमारे बिहार में कितना बोर्ड है, उनको भी ये पता होगा कि नहीं होगा, वो भगवान भरोसे है। उनको देखना चाहिए के पाठक जी को भी। आखिर के पाठक भी इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के अपर अध्यक्ष है के पाठक, तो उनके यहाँ भी नोटिस जाता होगा ना कि बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड में इतना एडमिशन लड़के कराए हैं, उनके यहाँ भी नोटिस जाता होगा। सर 40,000 स्टूडेंट है सर, एक दो स्टूडेंट नहीं है, हम दो एक लड़का सुसाइड भी किया है, वो तो हम ही लोग को पता है सर। बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड में 40,000 लड़के हैं, एक लड़का 40,000 स्टूडेंट है सर। और 40,000 लड़कों स्टूडेंट कहाँ कहाँ से, ये बता सकते हैं आप? सर कोई जयपुर से है, कोई बंगाल से है, कोई असम से, मेरे पास सारा प्रूफ है सर। वो प्रूफ दे सकते हैं क्या मेरे यहाँ? जी सर, मैं आपके व्हाट्सएप में पूरा प्रूफ दूंगा। मेरे पास पूरा जो वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड मैं वो भी दे सकता हूँ कि कितना कितने के एडमिट कार्ड जो है एग्जाम फॉर्म मैंने भरा भी बहुत लोग का फॉर्म, तो मुझे मुझसे पूछा कैसे कैसे, मतलब कहाँ कहाँ, जयपुर से कोई है, कोई असम से है, कोई चेन्नई से है, कोई सिक्किम से है सर, कहाँ कहाँ से नहीं है। बच्चे यहाँ आके एडमिशन लेके फ्यूचर अपना बर्बाद हो गया सबका। सबका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं बिहार बोर्ड को, ओपन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं क्या लड़कों के साथ? सर पूरा खिलवाड़ हो रहा है सर, अभी भी इस साल भी हमको लग रहा है कि खिलवाड़ कर ना ले, भगवान न करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन इस साल का भी फ्यूचर का, एक साल तो फ्यूचर बर्बाद हो चुका है, दूसरा साल देखिए सर क्या होता है सर। इस तरह होगा तो बिहार बोर्ड का जो जो बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड है ये तो बर्बाद हो जाएगा इस तरह होगा तो, क्योंकि बिहार बोर्ड ओपन बोर्ड में वही लोग जाते हैं जो 1 साल अपना बचाना चाहते हैं, इस तरह कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड का अध्यक्ष है इस तरह कर रहे हैं, तो पूरा लड़कों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं, इस तरह सर नहीं करना। जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए जी सर, बोलिए। नहीं करना चाहिए ऐसे बर्बाद हम लोग का फ्यूचर। हम भी किसी के बाल बच्चे हैं, हम भी किसी समाज में आते हैं, हम भी उसी तरह इंसान है सर,
हम लोग को भी परीक्षा लीजिए सर, टाइम पे हम लोग एग्जाम फॉर्म भर दिए, पैसे सब चीज किए सर, कॉलेज जाते।